नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में TCL Tab 10S वर्सेस Oppo Pad Air का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो TCL Tab 10S में 9.49 इंच जबकि Pad Air में 9.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो TCL Tab 10S में 6.24 इंच जबकि Pad Air में 6.09 इंच की विड्थ मिलती है जो कि TCL Tab 10S से कम है। बात करें थिकनेस की तो TCL Tab 10S में 0.33 इंच जबकि Pad Air में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो TCL Tab 10S में 464 ग्राम्स जबकि Pad Air में 440 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो TCL Tab 10S में 10.1 इंचेस जबकि Pad Air में 10.36 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन TCL Tab 10S में 1200 by 1920 और Pad Air में 1200 by 2000 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो TCL Tab 10S में 77.65% जबकि Pad Air में 80.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो TCL Tab 10S में 224 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pad Air में 225 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो TCL Tab 10S में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Pad Air की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों टैब में तीन डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो TCL Tab 10S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Pad Air में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो TCL Tab 10S में पावर GE8320 जबकि Pad Air में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो TCL Tab 10S में MediaTek MT8768 और Pad Air में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो TCL Tab 10S में 3GB की RAM मिलती है जबकि Pad Air में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो TCL Tab 10S में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Pad Air में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो TCL Tab 10S में अप टू 256GB जबकि Pad Air में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो TCL Tab 10S में Android V10 Q जबकि Pad Air में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी TCL Tab 10S में 8000 mAh जबकि Pad Air में 7100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो TCL Tab 10S में दो कलर्स जबकि Pad Air में एक कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो TCL Tab 10S में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Pad Air की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो TCL Tab 10S में तीन फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Oppo Pad Air की तो उसमें पांच फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Acer 110T4 है, दूसरा Acer 18T4 है, तीसरा Lenovo Tab M10 FHD Plus है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Lenovo Yoga Tab 11 है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।